सोलन को नगर निगम बनाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर काफी खींचातानी चल रही है। गांव के प्रधान नगर निगम में गांव के भीले का विरोध कर रहे हैं। वहीं पहले भाजपा की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम की घोषणा की जाएगी, लेकिन विरोध के चलते भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और आने वाले चुनावों में नुकसान ना हो इसके लिए बीच का रास्ता अपनाना चाहती है। वहीं सोलन के विधायक धनीराम चौंडल भी भाजपा के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं और वह भी चाहते हैं कि गांववासी किसी भी सूरत में नाराज नहीं होने चाहिए। सोलन के विधायक धनीराम चौंडल ने कहा कि सोलन शहर नगर निगम बनाना चाहिए, लेकिन नगर निगम में आसपास के गांवों की कृषि भूमि को शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आसपास के गांवों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा तो गांववासियों के अधिकार उनसे छीन जाएंगे और कई तरह की योजनाओं का लाभ वह नहीं उठा पाएंगे, जो गांववासियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि सोलन शहर ही नगर निगम की सभी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है, इसलिए शहर के साथ लगते गांवों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही दल आने वाले चुनावों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते सोलन शहरवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शहर का विकास सीमित रूप में हो रहा है। दोनों ही दल अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, लेकिन शायद वे भूल रहे हैं कि उन्हें विजेता सोलन शहर की जनता भी वोट डालकर बनाती है। उनकी मांगों को पूरा करना उनका दायित्व है। सोलन एक नगर निगम के रूप में हमारे लोगों को प्रस्तुत की जा रही है, जो कि एक बहुत ही पुराना और लंबित मामला है। हमारी पिछली सरकार में भी ये विषय दो बार कैबिनेट में लग चुका है और उस समय के मुताबिक हमें जनगणना के आधार पे ये बताया गया था कि हमारी जनसंख्या के आधार पर निगम बनना संभव नहीं है, परंतु अब जबकि सरकार ने फैसला लिया है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि धर्मशाला के विधानसभा सत्र के दौरान जब ये विषय मैंने स्वयं सदन में उठाया था, तत्कालीन अध्यक्ष महोदय और तत्कालीन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन दोनों ने हामी भरी थी कि ये शीघ्र ही संभव हो सकेगा कि हम सोलन को एक नगर निगम बना पाएंगे, और मैंने भी लोगों को इसकी सूचना दी थी और लोग बड़े खुश थे। मेरा मानना है कि आज सोलन की आवश्यकताएं, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की सुविधाओं की जो कमी, वो तभी पूरी होगी जब हमारे पास सोलन जैसे महा बड़ा नगर एक नगर निगम के रूप में लोगों को प्रस्तुत किया जाए और वहाँ की सड़कें, वहाँ की जलापूर्ति, वहाँ की बिजली की ज़रूरत, और इस प्रकार से मैं समझता हूँ जितनी अधोसंरचना के साथ संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं वो तभी पूरी होंगी जबकि नगर निगम होगा और पर्याप्त धन हमारे सोलन को सुचारू रूप से ढंग चलाने के लिए एक निगम बनने पर ही संभव हो सकेगा। ये बात ठीक है कि हमें पूरी आवश्यकता अपनी जितने भी हमारे वार्ड हैं उनसे ही पूरी हो सकती है। हाल ही में कुछ एक पंचायतों ने इसका विरोध किया है, मुझे ये भी पता लगा कि कुछ पंचायतों को मिला देने की बात चली है। यह आवश्यक नहीं है। यदि हमारी बीच के ही वार्ड की जनसंख्या पूरी हो जाती है और हमारे नॉर्म्स पूरे हो जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कृषि की जो भूमि है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि लोग, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और आसपास के क्षेत्र जो सोलन के हैं उन्हें हम जिन सुविधाओं से जो इन्हें आज एज कृषक के रूप में मिल रही है उनसे वंचित नहीं करेंगे और ना ही ये उपयुक्त कदम होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो नज़दीक के क्षेत्र जिनमें कृषि योग्य भूमि नहीं है, ऐसे क्षेत्र में लाने में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, और वो भी जब वहाँ के प्रतिनिधियों के साथ हम मिल बैठ कर बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि हम इस
कदम को, इस कदम का स्वागत भी करते हैं और ये बननी भी चाहिए। और जहाँ तक ये जो कृषकों का ताल्लुक है, इसे हम ठीक तरीके से उनसे बात करके निपटाएंगे। उनके किसी भी प्रकार का उसमें कोई ऐसा बोझ नहीं पड़ना चाहिए जिससे उनकी सुविधाओं को से उनको वंचित किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और शीघ्र अतिशीघ्र हम सोलन को नगर निगम बनाना चाहते हैं।